पड़ेगी सेमी सर्कुलर सीट। चलो जरा सेमी सर्कुलर सीट ले लेते हैं पहले। आप ये बताओ क्या आपको ये पेज दिखाई दे रहा है? क्या सारे बच्चों को ये पेज दिखाई दे रहा है? आप कहोगे हाँ सर, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है पेज। अच्छा जी, पेज आपको दिखाई दे रहा है तो साथ के साथ आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग भी दिखाई देनी चाहिए, सेमी सर्कुलर सीट। क्या ये आप एज्यूम कर सकते हो ये सेमी सर्कल है? थोड़ा मान लो यार, मत कहना कि सर ये उल्टा सीधा दिख रहा है। मान लेते हैं सेमी सर्कल है ना, है ना सेमी सर्कल। अच्छा, इस सेमी सर्कल से, ये कुछ ऐसा सेमी सर्कल है ना, इसका कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ रेडियस होगा सेमी सर्कल का, है कि नहीं? तो इस, हालांकि डायमीटर दे रखा है 28, चलो इसका सेमी सर्कल का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर मान लेते हैं। तो और कैपिटल आर कितना होगा बेटा? क्या वो 28/2 से 14 सेंटीमीटर आएगा क्या? इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, एक कोनिकल कप बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं, कहने का मतलब ये। हालांकि उल्टा बना देना कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी रेडियस कुछ होगी, ठीक है, और इसकी कुछ हाइट होगी। तो स्मॉल आर ले लिया, हाइट ले ली स्मॉल एच, और स्लैंट हाइट इसकी एल होगी, स्लैंट हाइट इसकी एल होगी। अब ध्यान से देखना, अगर इस सेमी सर्कल से अगर मैं कोन बनाऊं, देखो ध्यान से देखना, ये कोन बन गया, ये देखो कोन बन गया, ध्यान से देखना। आप देखो, ध्यान से देखो, जो सेमी सर्कल की रेडियस थी क्या वो स्लैंट हाइट बन गई? ये देखो जरा, देखो स्लैंट हाइट बन गई, ध्यान से देखो। यानी ये जो एल है ना बेटा, वो आपका इस रेडियस के बराबर। कितने बच्चे समझ गए कि ये 14 है, यस और नो? किस किस को बात समझ में आ गई, किस किस को बात समझ में? देखो देखो ध्यान से देखो, देखो ये सेमी सर्कल है ना, इस सेमी सर्कल को अगर मैं फोल्ड कर रहा हूं और देखो ऐसे फोल्ड करता हूं तो ये एल बन गया। क्या बन गया? एल बन गया। अच्छा, और एक चीज समझते हैं, जो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, यानी कि पाई और आर की बात करें तो पाई आर किसके बराबर है? ध्यान से देखना, ये जो पाई आर है वो ध्यान से देखो तो कोन के नीचे वाले की सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो नीचे वाले की सर्कमफ्रेंस क्या 2 पाई आर हो जाएगी। कितने बच्चे सीख गए, कितने बच्चों को समझ में आ गई बात? बस काम खत्म, काम खत्म। किस किस को समझ में आ गया जरा बता दो फटाफट, फटाफट बताओ किस किस को समझ में आ गया। पाई से पाई कटा, कैपिटल आर है 14, तो 14 = 2 आर, तो क्या आर की वैल्यू बेटा 7 सेंटीमीटर आ जाएगी? क्या क्या आर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया? अच्छा, आर मिल गया 7 और एल मिल गया 14, तो हाइट कितनी आएगी? अगर मुझसे कोई हाइट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, डेप्थ का मतलब बेटा क्या होता है? डेप्थ का मतलब होता है हाइट, बता दो। क्या बता दो? हाइट बता दो भाई, फॉर्मूला तो पता ही ना, एल स्क्वायर किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। तो ये 14 का स्क्वायर, आर 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जरा बताओ सारे बच्चे कितना आ जाएगा? 196 = 49 प्लस एच स्क्वायर, 196 - 49 बराबर एच स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है, और 8 में से गया 47। क्या ये 47 आ रहा है जरा बताओ फटाफट? एच स्क्वायर कितना आ रहा है? 47 समथिंग आ रहा है। कह रहा चेक करो फटाफट, फटाफट चेक करो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 47 आ रहा है क्या एच स्क्वायर? तो एच की वैल्यू क्या √47 हो जाएगी? सारे बच्चे बताओ, क्या एच आपका √47 आ गया है? एच क्या हमारा √47 आया है? हाँ, अरे हाँ, 147, अरे 147 आया है, 1 लगा लो भाई, √147 आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया, √147 आ गया, √147 चेक करो। अच्छा, ये तो एच आया, हमें तो कैपेसिटी भी निकालनी है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का? वॉल्यूम का कोन होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h। तो 1/3 पाई की 20/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर, हाइट हमारी √147 है। तो √147 की अगर वैल्यू निकाली जाए, अगर √147 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो जरा चेक करो कितनी आ रही है √147। √147 कितना आ जाएगा? ये देखो, एक तो प्राइम फैक्टर हो रहा है इसका 147 का, देखो कितना आता है इससे, 3 से जाएगा, 3 × 12 = 27, 7 7 7। क्या बेटा ये 7√3 आ रहा है क्या?
क्या ये 7√3 सेंटीमीटर आ रहा है? चेक करो बेटा, चेक करो क्या ये 7√3 आ गया क्या? यानी कि यहां पे हम 7√3 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? 7√3। ठीक है, अच्छा एक 7 तो एक 7 से उड़ गया, तो कितना बचा देखो, 22 बचा ऊपर, एक 7 बचा हुआ है, एक ये 7 बचा हुआ है और ये रूट थ्री बचा हुआ है अपॉन थ्री। चलो अब देखो मल्टीप्लाई करूं, 22 × 7 हो जाएगा कितना, 7 × 14 है, 14 × 15 154, तो ये आ गया 7 है और रूट थ्री की वैल्यू 1.732 है, अपॉन में थ्री है। अब इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, आपको वॉल्यूम मिलेगा। जरा मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करिए कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करो जरा, कैलकुलेशन रहती है कभी कभी। 154 का मल्टीप्लाई 7 में, मल्टीप्लाई 1.732 में, और उसके बाद डिवाइड करना है 3 से, तो क्या आंसर 622.36 समथिंग आ रहा है क्या? चेक करो कितना आ रहा है आपका आंसर, 622.36, यानी कि हम ये कह सकते हैं 622.4 बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ इस तरीके से आ रहा है, देख लीजिए, 622.4 या 622.365 सेंटीमीटर क्यूब। अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कुमकुम सहाय ने आंसर दे दिया है।